शिरडी। शिरडी महाराष्ट्र प्रांत के अहमदनगर जिले का एक छोटा सा गांव, जो आज एक ऐसा पावन तीर्थ स्थल बन चुका है जिससे निकली साईनाथ की प्रेम गंगा केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अनवरत बह रही है। बाबा के अवतरण ने शिरडी की मिट्टी और वातावरण का तो जैसे कायाकल्प ही कर दिया। शिरडी के कण कण में जैसे बाबा की दिव्य सुगंध रम गई हो। यहाँ की धूप छांव, हवाएं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब के सब जैसे साईनाथ का कलरव कर रहे हैं। बाबा का पहला वचन, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। बाबा के चरण स्पर्श से शिरडी की मिट्टी में भक्तों के कष्टों को हरने की शक्ति आ गई है। धन्य है शिरडी जिसे साईं का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त हुआ। बाबा ने कहा था, ठाकुरनाथ की डंकपुरी, विठल की पंढरी और रणछोड़ की द्वारका सभी कुछ शिरडी में ही है। किसी को कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने शिरडी को अपना सर्वस्व दिया, कर्म, योग, तप, ज्ञान, प्रेम, यही उनका कर्म क्षेत्र था और यही उनकी देह आज महासमाधि में लीन है। बाबा के वचनों में से एक वचन, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। साईं के अलौकिक रूप की व्याख्या बहुत से भक्तों ने अपने अपने ढंग से करने की कोशिश की है। कोई उन्हें भगवान राम का तो कोई उन्हें साक्षात शंकर का अवतार मानते हैं। कोई कहता है साईं मुसलमान फकीर हैं, औलिया हैं, तो कोई कहता है साईं ही कबीर हैं। भक्तों ने साईं में ही दत्तात्रेय, राम, विठ्ठल और मारुति के दिव्य दर्शन किए। बाबा तो हैं साक्षात ओम का अवतार। सत्य स्वरूप ओम, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सभी देवताओं सहित सारे चराचर प्राणियों का अस्तित्व समाहित है। जो कुछ था, जो कुछ है, जो कुछ होगा, सब ओम ही है। समय से परे जिसकी भी सत्ता हो सकती है वो ओम ही है। ओम यानी साईं, साईं ही भूत, भविष्य और वर्तमान हैं। साईं सत्य हैं, अनंत हैं, अपार हैं, परब्रह्म हैं। साईं प्रेम, दया व करुणा के अगाध व असीम सागर हैं। शिरडी के कण कण में साईं की उपस्थिति का आभास होता है। साईं और उनकी शिरडी एक दूसरे के परिपूरक हैं, पर्यायवाची हैं। सन 1854 में करुणावतार साईनाथ को पहली बार इसी नीम वृक्ष तले 16 वर्ष की तरुणावस्था में ध्यान मग्न देखा गया था। वो यहाँ दिन रात समाधि में लीन रहा करते थे। शिरडी वासियों के मन में इस ध्यान मग्न युवक के विषय में जानने की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी कि एक दिन एक भक्त को भगवान खंडोबा का संचार हुआ। वहां उपस्थित जनों ने संचारी से इस तेजस्वी युवक के बारे में पूछा।
संचारी ने उत्तर देने के बजाय नीम वृक्ष के पास खुदाई करने को कहा। खुदाई करने पर वहां लकड़ी का आसन, गौमुखी, जप करने की मालाएं, कुछ ताजा फूल और चार प्रज्वलित दीप मिले। उस युवक ने उपस्थित जनों से कहा, ये मेरा गुरुस्थान है और मेरी अमूल्य व पवित्रतम संपत्ति है। ये सत्य है, आज से कोई भी भक्त श्रद्धा पूर्वक गुरुवार और शुक्रवार को इस जगह धूप और लोबान जलाएगा, उसका भला होगा। इसलिए यहाँ शिरडी साईं संस्थान द्वारा इस धूप पात्र की व्यवस्था की गई है। बाबा ने गुरु को देवी देवताओं से भी ऊंचा स्थान दिया है। बाबा की पूर्ण आस्था थी गुरु में। उनके अनुसार गुरु से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जहां पुस्तकीय ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराने में असमर्थ हो, वहां केवल निष्ठा ही एकमात्र सहारा और गुरु की कृपा ही एकमात्र साधन होती है। फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई विशेष प्रयास या विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं। ये भव्य तस्वीर बाबा के जीवन काल में ही स्थापित की गई थी। कई भक्तों को इस तस्वीर में अपने इष्ट देवता व बाबा का साक्षात्कार हुआ है। ये शिवलिंग बाबा ने अपने परम भक्त मेघा को दिया था और पिंडी पर त्रिशूल लगाने के लिए कहा था। मेघा को पूर्ण विश्वास था कि साईं ही उसके इष्ट देव भगवान शिव हैं। 1912 में मेघा के परलोक सिधारने के पश्चात यहां इस शिवलिंग की स्थापना की गई। शुरू के दिनों में बाबा सदैव यहीं तुर्यावस्था में बैठे रहते थे। बाबा को छाया देते देते तथा बाबा की आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव से इस नीम की पत्तियां भी मीठी हो गई। इस तरह लगभग 3 वर्ष शिरडी में रहने के बाद बाबा अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय पश्चात धूप खेड़ा के चांद पाटिल के साथ वापस अपने कर्म क्षेत्र शिरडी पहुंचे। शिरडी में साईं का पुनरागमन इसी खंडोबा मंदिर से जुड़ा है। ये गांव के कुल देवता खंडोबा का मंदिर है, जिसके पुजारी बाबा के परम भक्त महलसापति थे। खंडोबा भगवान शिव के रूप माने जाते हैं। यहां खंडोबा के साथ उनकी शक्तियां महलसा और बनाई देवी भी प्राण प्रतिष्ठित हैं। इसी मंदिर के आंगन में ये बरगद का पेड़, ये वही महिमापूर्ण स्थान है जहां चांद पाटिल की पत्नी के भतीजे की बारात आकर रुकी थी और तरुण फकीर को बैलगाड़ी से उतरता देखकर मालसापति ने आओ साईं कहकर उनका स्वागत किया। साईं यानी साक्षात ईश्वर, साईं यानी परमात्मा, साईं यानी परमेश्वर मालिक। इसके बाद लोगों ने बाबा को साई नाम से संबोधित किया। कौन जानता था दिव्य संयोग से महलसापति के मुंह से निकला नाम आगे चलकर लाखों करोड़ों भक्तों के लिए महामंत्र बन जाएगा। और ये तो सर्वविदित है कि केवल साई साई के उच्चारण मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मानव जीवन सफल हो जाता है। यही परमानंद प्राप्ति का एकमात्र सुगम मार्ग है। बाबा बारात के साथ शिरडी आए, निकाह मुकम्मल हुआ और बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव लौट गई। परंतु बाबा शिरडी में ही रुक गए और जीवन पर्यंत यहीं रहे।